चल डिफिकल्ट होते हैं वो सोच के हमारे लिए बनाते हैं और इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि मैं आज यहाँ मिसेस संध्या सिंह के इस क्रिएशन के सामने खड़ी हूँ क्योंकि शी इज एन इमर्जिंग डिजाइनर ऑल्सो वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड शी हैज अ शोरूम इन दिल्ली राइट कॉल्ड संध्या और हमारी फैमिली फ्रेंड भी हैं और मुझे बहुत खुशी है आज कि राजीव भैया और नीरज भैया दीज आर ब्रदर्स फॉर मी एंड टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आज इनकी कलेक्शन में यहाँ पे आ सकूँ बहुत कम समय होता है जब लड़कियां ट्रेडिशनल लुक में दिखाई देती है तो एनीथिंग स्पेशल ऐसा नहीं है मौके की बात है आप मौका देंगे हम आ जाएंगे सो इट्स जस्ट दैट कि टुडे वाज अ यू नो आई वाज रियली फैसिनेटेड व्हेन आई सॉ हर कलेक्शन विद स्पेशली जो एथनिक कलेक्शन है आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर्स हैं और हैंडमेड हैं और मुझे पता चला आरी का कोई काम है वो एक अलग तरीके का है काम सो व्हेन दे पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क इनटू पुटिंग अ क्रिएशन लाइक दिस So I think it's a very important thing that हम लोग आके ऐसे खड़े हों. Any personal style statement you follow? I think सारी for any girl, especially लड़कियों, Indian लड़कियों के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे sensuous dressing होती है और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है. Any upcoming project you want to share with us? We've already shared like we've got लड़ाकू. Right. अभी national award मिला है तो you know that as a producer I've become got a national award so I'm very excited about that and लड़ाकू इज माई नेक्स्ट फिल्म विच इज अ मार्शल आर्ट्स फिल्म इट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इंग्लिश में इट्स कॉल द ओलंपिक गर्ल और हिंदी में इट्स कॉल लड़ाकू क्योंकि आपको पता है मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो एक तो मौका मिलना ही चाहिए मुझे ये अच्छा नेशनल अवार्ड मिलने के बाद ऐसा कोई प्रेशर होता है कि काम में अच्छा करना है या ऐसा कुछ तो पहले से अच्छा नहीं कर रही थी मैं नेशनल अवार्ड मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है क्योंकि पता चलता है जो आप मेहनत करते आ रहे हैं सालों से उसके उसको ध्यान दिया जा रहा है उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है तो उस ध्यान देने वाले लोगों को और उस ऑडियंस को जो अप्रिसिएशन जो हमें दे रहे हैं उसको वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए तो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ नेशनल अवार्डेड फिल्म ट्रैफिक सिग्नल ओए लकी लकी ओए तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी और आज के टाइम पे एवरीबडी इज कंटेंट ड्रिवन तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि ये नेशनल अवार्ड मिला है और खासकर उस रीजन से जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ की पहली नेशनल अवार्ड है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है डर लग रहा है कि अब क्या करना है लेकिन करना जो भी करूंगी अच्छे से ही करूंगी नहीं तो आपने ये भी कहा कि मतलब अब उड़ता पंजाब आ रही है तो उसमें बिहारी कम्युनिटी पता था आपकी सबसे आने वाला यहीं से तो बिहारी कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया तो अभी हाल ही में एक सॉन्ग लॉन्च में आलिया भट्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि एक वी आर टारगेटिंग अ कम्युनिटी एज सच तो क्या कहना चाहेंगे मतलब फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म तो एक एंटरटेनमेंट मीडियम होता है तो किसी कम्युनिटी को टारगेट करना आपके लिए मतलब हर्टफुल है क्या है देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी भी कम्युनिटी को चूंकि मैं बिहार से आती हूँ मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ लेकिन अब इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम बिहार इट्स अबाउट एनी कम्युनिटी सरदार्स के ऊपर जोक बनते हैं हर साउथ इंडियन मद्रासी है ये तो बहुत ही गलत बात है उसी तरह से चाहे भोजपुरी फिल्में हों या हाई एलीट क्लास हिंदी सिनेमा हो हमेशा बिहारी इज अ कैरिकेचर आइदर वो फनी दिखाया जाता है या करप्ट दिखाया जाता है वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इवन द सीबीआई चीफ ऑफ इंडिया इज अ बिहारी यू टॉक ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट सब बिहारी हैं तो क्या कोई भी फिल्म मेकर हमारे राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्ला खान जैनिज्म बुद्धिज्म नालंदा यूनिवर्सिटी यू नेम इट एंड इट्स देयर तो क्या इन लोगों से इतने पढ़े लिखे अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं क्या वो कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि वो उसे एग्जीक्यूट करके बाहर ला सके मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप कैरेक्टर में कभी खराब दिखाते हैं किसी भी कम्युनिटी को तो आप अच्छा भी दिखाइए बैलेंस कीजिए यू कैन नॉट जस्ट कीप सेइंग कि बुरा है बुरा है मेरा बस ये कहना है कि जहां कभी कोई सी जगह में खराब होता है तो वहां अच्छा भी होता है और दूसरी जगह में भी खराब और अच्छा होता है बट यू कैन नॉट जस्ट स्टीरियोटाइप एनीथिंग सो आई हैव नेवर टारगेटेड अ एक्टर आई हैव ऑलवेज टोल्ड अबाउट द फिल्म मेकर्स नॉट उड़ता पंजाब आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी फिल्म मेकर फ्रॉम द पास्ट एंड ऑल्सो द राइटर्स एज ए प्रोड्यूसर भोजपुरी फिल्में भी आजकल काफी अच्छा कर रही है प्रियंका चोपड़ा की प्रोडक्शन में एक फिल्म बन रही है आप भी एक प्रोड्यूसर बन चुके हैं तो
फ्यूचर में हम देखेंगे कोई भोजपुरी फिल्म को प्रोड्यूस करते हो या फिर आप फीचर करते हो? बोलूँ मैं कुछ बोलूँ इसके ऊपर या आंसर देना चाहिए मुझे नहीं देना चाहिए? आई एम श्योर आप लोग को पता नहीं है कि मैंने एक भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस की है विच इज गॉन टू 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. 54 सालों में पहली फिल्म है जिसे इंडियन पैनोरमा इफी गोवा में सिलेक्ट किया गया है. आप लेट हैं इस बात को क्वेश्चन करने के लिए. और ये मेरी जो फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है वो मैथिली फिल्म है. सो जो मेरे से मैं अपना अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. जो मैं फिल्मों के द्वारा जो अपने रीजन की अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ करती रहूंगी चाहे मेरा साथ कोई दे या ना दे. दैट डजंट रियली मैटर. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई विल डू दैट. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. And that's Neetu. He is my brother. So हम लोग सब ये जो family है एक साथ इकट्ठा हुए ताकि we can support Sandhya is here. So I'm very proud of the fact the collection she has. Swati ji.